नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। 18 से 31 तक बढ़ाए गए लॉकडाउन में जानी किन किन चीजों में मिलेगी छूट। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पूरे देश में चौथी बार लॉकडाउन का ऐलान जारी किया गया है, जिसके तहत सार्वजनिक कार्यक्रम पर पहले की तरह रोक लगी रहेगी। स्कूल, मॉल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। विमान, मेट्रो, ट्रेन का परिचालन भी 31 मई तक बंद रहेगा। घरेलू हवाई एम्बुलेंस के अलावा सभी अन्य घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी। 31 मई तक देश भर में राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रम पर रोक लगी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकान और मॉल के अलावा आज से सभी दुकानों को अलग अलग समय पर खोलने की अनुमति दे दी गई है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी लोगों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच देश भर में घरों के बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। वहीं सभी दुकानों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके ग्राहक एक दूसरे से कम से कम 6 फुट की दूरी पर खड़े रहे और एक समय में 5 लोगों से ज्यादा दुकान के सामने कोई भी खड़ा ना हो। कोविड-19 के मामले में चीन के खिलाफ जांच के लिए अब सबकी नजर भारत पर। भारत अगले हफ्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जिट बोर्ड का चेयरमैन बनने जा रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी होगी और वह कोविड-19 के मुद्दे पर चीन के खिलाफ उठ रही आवाजों से कैसे निपटता है, क्योंकि कोविड-19 के लिए कई देश ऐसे हैं जो चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका यह कहना है कि कोविड-19 चीन के प्रयोगशाला में बनाया गया है। भारत WHO का ज्ञापन की जगह लेगा और इस संस्थान के साथ ईस्ट एशिया ग्रुप में सर्वसम्मति से इस पद के लिए भारत के नाम का प्रस्ताव रखा गया था। वहीं WHO पर भी चीन को बचाने की बात कही गई थी। सिर्फ दूसरे देश ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी यही कहा था कि कोविड-19 प्राकृतिक नहीं है, इसे लैब में तैयार किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी लंबे समय से इस बात का दावा करते आए हैं कि कोविड-19 कोई प्राकृतिक बीमारी नहीं है बल्कि चीन के लैब में बनाई गई है, और यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को जाने वाले फंड को भी रोक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को फिर से करेंगे मन की बात। कोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए देश में एक बार फिर से 31 मई तक बंद की अवधि को बढ़ा दिया गया है। वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक बार फिर से 31 मई को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करने वाले हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने आज ही अपने ट्विटर के जरिए लोगों से साझा की है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से लोगों से सुझाव भी मांगे हैं, जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि 31 मई को होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए मैं आपके सुझाव का इंतजार करूंगा। इसके लिए आप 1800117800 पर संदेश रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए साथ ही बंद के चौथे चरण के समाप्ति वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देशवासियों को मन की बात के जरिए संबोधित करेंगे। जिस दिन जानकारों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अहम और बड़े ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि वह चौथे फेज का आखिरी दिन होगा। आरोग्य सेतु सेवा को लेकर सरकार ने जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। बंद के चौथे चरण के दिशा निर्देश में सरकार ने आरोग्य सेवा सेतु से जुड़े कुछ नियमों को और ज्यादा आसान बना दिया है। सरकार ने ऐप को डाउनलोड करने की अनिवार्यता खत्म करके इसे वैकल्पिक कर दिया है। इसके तहत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार ने इस ऐप के फायदों को गिनवाया है। सरकार ने कहा है कि आप कोविड-19 के संभावित जोखिम को पहले ही पता लगाने में मदद करेगा और कार्यालय और कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी सभी कर्मचारियों के मोबाइल में ऐप को डलवाने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। हालांकि मई में जारी किए गए दिशा निर्देश में सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु सेवा को डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया था, मगर अभी से वैकल्पिक कर दिया है। राजस्थान सरकार ने मजदूरों को फ्री स्पेशल बसों से घर भेजने का जारी किया ऐलान। देश में जारी बंद के कारण हर कोने से मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए निकल रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी श्रमिकों को पैदल घर जाने की नसीहत नहीं दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार श्रमिकों को बसों से उनके घर छोड़ने का काम करेगी, क्योंकि बीते कई दिनों से देखा जा रहा है कि कई सारे मजदूर पैदल ही निकल रहे हैं और अप्रिय वाक्यों का सामना कर रहे हैं। इसी को ध्यान रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया। राजस्थान सरकार में इस खर्च का वहन SDRF करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने यह भी साफ कहा है कि जिन राज्यों में ट्रेन लायक श्रमिकों की संख्या नहीं है, उन सभी राज्यों में श्रमिक उनके घर तक बस से छोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे राजस्थान के सैनिकों को बसों से उनके घर पहुंचाया जाए। ग्रेटर नोएडा में ओप्पो के 6 कर्मचारी निकले कोविड-19 पॉजिटिव। ग्रेटर नोएडा के ओप्पो के फैक्ट्री में काम करना पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि बीते दिन यहां पर 6 कर्मचारी में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। खबरों की माने तो कंपनी को रविवार को अपना कासन प्लांट को बंद करना पड़ गया है, जिसके बाद तुरंत ही आनन फानन में वहां पर पूरी तरीके से काम को बंद किया गया है। साथ ही धीरे धीरे सभी कर्मचारियों के टेस्ट करवाने की दिशा निर्देश भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत ओप्पो ने कहा है कि जब तक उसके सभी 3,000 कर्मचारियों की कोविड-19 का जांच पूरा नहीं हो जाता, तब तक फैक्ट्री में काम फिर से शुरू नहीं होगा। वहीं कर्मचारियों के कोविड-19 प्रभावित होने की खबर एक मीडिया हाउस द्वारा जारी की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बंद के माहौल में कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति मिलने के बाद 30% कर्मचारियों के साथ शुक्रवार को परिचालन फिर से शुरू किया था, मगर रविवार को उसके 6 कर्मचारियों को पॉजिटिव पाए जाने के बाद कंपनी दोबारा से बंद कर दी गई है। भारत को मजबूत करने का जरिया बन सकते हैं प्रवासी मजदूर। कोविड-19 की वजह से अलग अलग राज्यों में प्रवासी मजदूर अपने घर लौटने लगे हैं। वहीं ऐसे में सभी राज्य सरकार को अपने यहाँ लौटने वाले मजदूरों
मजदूरों के हाथ में रोजगार देना जरूरी होगा ताकि इनकी मदद से भारत को मजबूत बनाया जा सके। जानकार मानते हैं कि इन प्रवासी मजदूरों पर वर्तमान में आए परेशानी के बाद इनमें से शायद ही भविष्य में रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्य की तरफ रुख करेंगे। ऐसे में सरकार को रोजगार मुहैया करवाना जरूरी है, जिससे कि भविष्य में राज्यों के अंदर छोटे उद्योग को बढ़ावा देने का पूरा मौका मिलेगा। वहीं सरकार नई नीतियों को भी बना सकती है। इन नीतियों का प्रचार प्रसार भी सरकार को खूब करना होगा ताकि इसकी जानकारी निचले दर्जे तक शामिल लोगों को मिल सके। वहीं सरकार को इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि इन मजदूरों के लिए वैसी नीतियां ही बनाई जाए जिन्हें ये आसानी से समझ सके और इसका फायदा भी लोगों तक आसानी से पहुंचे। वहीं राज्य सरकार को ऐसे लोगों को सस्ता कर्ज देने पर भी विचार करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल से ग्लोबल बनाने की जो अपील लोगों के लिए की है, उसमें यह जरूरी है कि किन लोगों द्वारा खोले गए कारोबार को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित मिल सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में फंसे मजदूरों को वापसी के लिए ममता बनर्जी को लिखा खत। देशभर में लॉकडाउन के चौथे चरण की घोषणा कर दी गई है। वहीं इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखते हुए अनुरोध किया है कि वह इंदौर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए एक विशेष इंदौर कोलकाता ट्रेन के रेल मंत्रालय से बातचीत करे ताकि यह विशेष ट्रेन उन लोगों के लिए चलाई जाएगी जो पश्चिम बंगाल से अपने मूल स्थान पर लौटना चाहते हैं। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से उनके इस पत्र का फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया गया है, मगर ममता बनर्जी केंद्र सरकार की हर नीतियों के खिलाफ नजर आई है। प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य वापसी के लिए भी उन्होंने स्पेशल ट्रेन परिचालन के लिए अनुमति नहीं दी है, सिर्फ कुछ जगह को छोड़कर बाकी सभी जगहों के लिए उन्होंने सीधा सीधा ना कर दिया है, जिसके तहत संबित पात्रा ने भी ममता बनर्जी पर खूब तंज कसा था। भारत में तेजी से कोविड-19 प्रभावित व्यक्तियों के हो रहे हैं स्वस्थ। जहां भारत में दिन प्रतिदिन कोविड-19 प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत से एक राहत भरी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में ठीक होने वालों की दर अब और ज्यादा बढ़ गई है। खबरों की माने तो भारत में रिकवरी रेट 38% तक पहुंच गया है, क्योंकि अब तक जहां भारत में 96,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 से प्रभावित हो चुके हैं, वहीं 36,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। यानी कि भारत में फिलहाल 56,000 से ज्यादा मरीज ही एक्टिव है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि पिछले 3 दिनों में भारत में कोविड-19 के संक्रमण के मामले दोगुने होने का समय 13.6 दिन हो गया है, जबकि पिछले 14 दिन में यह 11.5 दिन ही था। वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। खबरों की माने तो 5,000 नए मामले बीते 24 घंटे में देखने को मिले हैं। भारत में कोविड-19 की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। भारत में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बीते 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा मामलों को चिन्हित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की माने तो बीते 24 घंटे में 5,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में प्रभावितों की संख्या 96,000 पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, बीते 24 घंटे में 157 लोगों की जान भी जा चुकी है, जिसके बाद भारत में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 2800 के पार पहुंच गया है। हालांकि अब तक 36,000 से ज्यादा लोगों के ठीक होने की खबर भी सामने आई है। वहीं प्रभावित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र अभी इस सूची में सबसे पहले स्थान पर विराजमान है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 2300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 208 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रभावितों का आंकड़ा 4400 पहुंच गया है। सिर्फ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान और बिहार में भी प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते कुछ दिन में मामले में इतनी तेजी आई है कि मामला 1300 को पार कर चुका है। यूपी में अपने गांव पहुंचे अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। भारत में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसी बीच अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी महाराष्ट्र को छोड़कर यूपी के अपने गांव मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं। हालांकि मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना स्थित अपने घर पर पहुंचते उन्होंने होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, जिसके बाद अब उन्हें अपने परिवार के साथ 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। हालांकि खबरों की माने तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार के सदस्यों की मेडिकल स्क्रीनिंग करवा दी गई है। सबकी रिपोर्ट भी आ गई है, किसी में भी फिलहाल कोविड-19 होने की आशंका नहीं जताई गई है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार से अनुमति पत्र लेने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी 15 मई को अपने घर पहुंचे। अभिनेता ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह भी बताया कि घर पहुंचने के समय रास्ते में 25 जगह पर उनकी मेडिकल जांच करवाई गई थी। वहीं बुढ़ाना पुलिस स्टेशन के अफसर कुशल पाल सिंह ने यह बताया है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने अभिनेता के घर का दौरा किया और उन्हें और उनके परिवार को क्वारंटाइन रहने की सलाह दी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत को चीन के खिलाफ कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।